जनाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म, सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह है। यह इथियोपिया के अपार इलाके में पड़ती है। यहाँ का मौसम बेहद जालिम है, फिर भी आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बेहद खराब माहौल होने के बावजूद भी यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इथियोपिया के अपार समुदाय के लोग बेरहम मौसम वाले ठिकाने को अपना घर बनाते हैं। अनाकिल डिप्रेशन को दुनिया की सबसे गर्म जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर मौसम लगभग 34.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। धरती पर जो और गर्म जगह हैं वहाँ औसतन इतना तापमान नहीं रहता, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मगर अनाकिल डिप्रेशन में औसत तापमान ही 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसके सिवा यहाँ बारिश भी बेहद कम होती है। साल भर में केवल 100 से 200 मिलीलीटर बारिश होती है। कोल में खाद जैसा एक पहलू और भी है कि अनाकिल डिप्रेशन समुद्र तल के करीब 125 मीटर नीचे है। अनाकिल डिप्रेशन में सिर्फ धरती के ऊपर का माहौल नहीं खराब है, यहाँ धरती के अंदर भी हलचल मची हुई है। ये वो जगह है जहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है। ये वो प्लेट हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर हैं। अनाकिल डिप्रेशन में जो 3 टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो सालाना 100 से 200 सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे से दूर हो रही है, धरती के भीतर मची इस उथल पुथल का नतीजा ये है कि धरती के भीतर की आग अक्सर यहाँ बाहर निकल जाती है। पिघलता लावा यहाँ बड़े इलाके में फैला हुआ है। पूरे इलाके में कई ज्वालामुखी हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं। जब अनाकिल डिप्रेशन पहुँचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धरती पर नहीं किसी और ग्रह पर पहुँच गए हैं। यहाँ का मौसम बेहद गर्म और सूखा है। यहाँ वहाँ गड्ढों में पिघलता लावा दिखाएगा। आसपास के इलाकों में लावे के ठंड होने से बड़ी चट्टानें और पहाड़ियाँ दिखेंगी। चूँकि यहाँ अंदर धरती में आग लगी हुई है इसलिए अनाकिल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई स्रोत हैं, झरने हैं, पानी बाहर आते हैं, ये भयंकर गर्मी में सूख जाता है, इसलिए इस इलाके में नमक की कई खदानें भी है। जिस रफ्तार से अनाकिल डिप्रेशन के नीचे धरती खिसक रही है उसमें लाखों साल बाद यहाँ गहरा गड्ढा हो जाएगा, यहाँ पर लाल सागर का पानी भर जाएगा। इसलिए अनाकिल डिप्रेशन लाखों साल बाद एक नए समंदर की शुरुआत का ठिकाना होगा। समंदर की शुरुआत तो लाखों साल बाद होगी, लेकिन लाखों साल पहले इसी जगह में इंसान का विकास भी शुरू हुआ था। 1974 में वैज्ञानिक डोनाल्ड डॉल्सन और उनकी टीम ने यहाँ पर लूसी नाम का कंकाल खोज निकाला था जो ऑस्ट्रेलिया थेपिकस नस्ल की थी, जो इंसान के सबसे पुराने रिश्तेदार माने जाते हैं। आज के मानव से पहले ये कई नस्लों के कंकाल यहाँ मिले हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसे इंसान के विकास का पहला ठिकाना मानते हैं। अनाकिल डिप्रेशन में छोटे छोटे कई कीटाणु भी मिलते हैं जिन्हें एक्सीड्रोमियोफाइल कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि बेहद मुश्किल हालात में भी रहने वाले बैक्टीरिया यहाँ हैं। अनाकिल डिप्रेशन में मिलने वाले जीवों पर वैज्ञानिकों के लिए सुराग मिलने की उम्मीद है कि धरती पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी या फिर दूसरे ग्रहों पर जीवन कितनी संभावना है। अनाकिल डिप्रेशन तक पहुँचना भी बेहद मुश्किल है। यहाँ का सफर इथियोपिया के मेकेले शहर से शुरू होता है। रास्ते में आपको उबड़ खाबड़ सड़कों, धूल भरे रास्तों और रेगिस्तानी इलाके से गुजरना होता है। यहाँ का माहौल देखकर आपको ऐसा लगेगा कि भला इतने बेरहम जगह पर कौन रहेगा, मगर यहाँ अफार समुदाय के लोग रहते हैं। आप यहाँ जलते हुए सूरज पे तप जाएंगे, मगर अफार समुदाय के लोगों को इस गर्म रूखे माहौल में रहने की आदत हो गई है। उन्हें यहाँ के माहौल में रहने की ऐसी आदत हो गई है कि भूख प्यास भी नहीं लगती। यहाँ के लोगों के लिए नमक बेहद कीमती चीज है, जो नमक की चट्टानें काट काट कर इसे ले जाकर बेचते हैं। मेकेले शहर सबसे आसपास का बाजार है। ऊंट और गधों की मदद से नमक को इस शहर के बाजार तक पहुँचाया जाता है। इस दूरी को अफार लोग करीब हफ्ते भर में तय करते हैं। इस दौरान उनके पास गिनी चुनी रोटियां और पानी होता है। अफार समुदाय के लोग घुमंतू होते हैं जो बुनियादी किस्म की जिंदगी बसर करते हैं।
यहाँ बहने वाली छोटी सी आवास नदी यहाँ के लोगों की लाइफ लाइन है। इसके पानी पर ही स्थानीय लोग और उनके पालतू जानवर बसेरा करते हैं। आवास नदी भी दुनिया की अजब अजब नदी है। ये कभी भी समंदर तक का सफर नहीं करती। टनाका डिप्रेशन से गुजरते वक्त यहाँ की भयंकर गर्मी की वजह से आवास नदी सूख जाती है और फिर उसकी तलहटी में नमक जम जाता है। टनाका डिप्रेशन खुद में खराब जगह है, मगर आवास नदी यहाँ के सूखे बंजर इलाके में जीवनधारा की तरह बहती है। इसका पानी पीने के काम आता है। फिर नदी में जमा नमक यहाँ के लोगों की रोजी का जरिया बन जाता है। टनाका डिप्रेशन को देखकर लगता है कि हम चांद पर आ गए हैं, मगर जाली माहौल वाला ये इलाका मानवता की शुरुआत का केंद्र है। यहाँ से हमें कई और राज्य भी मिल सकते हैं। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।